नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर के आई है बड़ी खुशखबरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने दी है मंजूरी, अब हरियाणा में बुजुर्गों की होगी बल्ले, क्योंकि आई है बड़ी खबर। जानेंगे खबर को विस्तार से, साथ में जानेंगे हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कब जारी की जाएगी, इस पर भी पूरी जानकारी देंगे, और इस महीने कितनी पेंशन जारी होगी। अगर आप रोज़ यहाँ पर अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी ताज़ा खबर, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि बता दें कि हरियाणा में यहाँ पर जो पेंशन दी जा रही है 2750 रुपये, वो देश के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा पेंशन दी जा रही है। तो वहीं सीएम खट्टर मनोहर खट्टर के द्वारा बताया गया है कि अब जल्द हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है उसे 3000 रुपये कर दिया जाएगा, यानी कि 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर में हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है 3000 रुपये दी जाएगी। और साथ में बता दें कि जिनकी आय है 3 लाख रुपये, 3 लाख तक जिनकी आय है उनकी भी पेंशन बनने वाली है। इसके पहले 2 लाख इनकी आय थी तो 2 लाख तक की ही पेंशन बनती थी, लेकिन अब 3 लाख तक की आय हो गई है तो अब पेंशन बनवा सकते हैं। यानी कि ट्रिपल पी में अगर आपकी 3 लाख आय है, किसी बुजुर्ग की 60 साल उम्र हो चुकी है, तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो अब आप सभी को कंफ्यूज होगा कि आप यहाँ पर पेंशन को लेकर के जो अपडेट दे रहे थे वो क्या है। तो हम आपको बता दें कि अब जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, आपकी जल्द ही खातों में डाली जाएगी, क्योंकि सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। तो आज पेंशन जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। दोपहर 1 बजे से पेंशन पड़ना शुरू हो सकती है, डलना शुरू हो सकती है। तो इस बार 2750 रुपये आएंगे। अब बता दें कि अगर यहाँ पर जो पेंशन है 1 नवंबर से बढ़ोतरी होगी, तो 1 नवंबर के बाद ही पेंशन आपकी दिसंबर में 3000 रुपये खातों में जारी होंगे। तो अभी फ़िलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं है, सरकार ऐलान कर चुकी है कि बढ़ोतरी जल्द होगी। ये बड़ी अपडेट है। लगातार बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।